कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज 12 रबी अव्वल है, तो मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का हलवा, जो मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया था। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं वो, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा सूजी का हलवा बनता है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, और दो प्याली अच्छी सूजी इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, पकते हुए देखिएगा, और आप भी पका के देखिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनती है। तकरीबन 2 प्याली ली थी मैंने सूजी, 2 प्याली तकरीबन आधा किलो बन जाती है। इसको थोड़ा सा मैं करूँगी ब्राउन। फ्लेम को थोड़ा कम रखिए क्योंकि सूजी ऐसा ना हो के जल जाए। थोड़ा सा ब्राउन करना है इसको बस। जी बस, तो मेरी ये जो सूजी थी वो हल्की ब्राउन हो गई है, काफ़ी पक गई है और हल्की सी ब्राउन हो गई है। उसको मैं निकाल के अब अलग से रखूँगी। जी बस, तो सूजी मैंने निकाल के साइड पे रख दी है। ये देखिए मेरी ब्राउन हो गई है सूजी, और अब इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 1 प्याली ऑयल। एक प्याली ऑयल की मैंने डाल दी है, और जो हमारे पास बटर था वो बटर भी मैं इसमें डाल दूँगी। तकरीबन 2 टेबलस्पून मेरा ये बटर था। साथ ही हम इसमें तकरीबन 2 से 3 दाने जो है वो इलायची के डाल देंगे, और इसको
तो थोड़ा सा इसके साथ मेल्ट करेंगे ताकि हमारा जो बटर है, मक्खन जो है वो इसके साथ थोड़ा सा मिक्स हो जाए। ये मेरा बटर भी मिक्स हो गया। अब इसमें आपने जो सूजी मैंने फ्राई करके रखी थी वो सूजी डाल दें इसके अंदर अच्छे से, और इसको अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि गुठलियाँ ना बने। हल्की आंच पे आप चाहें तो इसमें जर्दे का रंग भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं जर्दे का रंग इसमें नहीं डालूंगी। और जर्दे का रंग आपको पता है कि जब आप हलवा पूरी बनाते हैं तो जर्दे का रंग थोड़ा सा उसमें डालते हैं तो उसमें थोड़ा सा अच्छा लगता है जर्दे का रंग। इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, इसी के साथ जो है अभी हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी ये जो कोकोनट हमने काट के रखा था वो डाल दें इसमें, और इसके अंदर जो किशमिश हमने रखी थी वो सारी किशमिश इसके अंदर डाल दें। अच्छे से भूनना है। इसमें थोड़ा सा ये काजू, ये बस ये मेरा हो गया है रेडी सूजी का हलवा।
बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर पसंद आए तो उसको बनाइएगा ज़रूर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखें, अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।